हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिरर डेकोरेट करने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए एयर ड्राई क्लिप। तो क्या करना है आपको, ये एयर ड्राई क्लिप लेना है, उसके ऐसे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और फिर उनसे हम फ्लावर बनाएंगे। यस, मैंने पहले से बहुत सारे फ्लावर्स बना के रखे हैं। अभी आपको डेमो देने के लिए मैंने ये पर्पल कलर वाला क्ले लिया है और इससे हम एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। हमें क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स लेने हैं और इन्हें एक दूसरे के पास ऐसे रख देना है, वो अपने आप चिपक जाते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी येलो कलर, उसका एक छोटा सा बॉल बना के इसके ऊपर रख देंगे तो ये बन जाएगा ऐसा फ्लावर। मैंने पहले से बहुत से फ्लावर बना के रखे हैं, ये आपको डेमो देने के लिए एक फ्लावर बना रही हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, यूज़ करने के बाद है ना ये एयर ड्राई के अच्छे से वो पैकेट बंद करके रखना है, नहीं तो वो पूरा ड्राई हो जाएगा। यस, और इसे हम एक मिरर पे चिपका देंगे ग्लू गन की मदद से या फिर फेविक्विक की मदद से। हाँ, अगर बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो फेविक्विक मत यूज़ कीजिएगा, ग्लू गन यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फेविक्विक बच्चों को यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फेविक्विक ले रही हूँ और इसे हम इसे पीछे से वन ड्रॉप इसे स्मॉल सा लगाएंगे और इसे चिपका देंगे और एक एक करके सारे फ्लावर इस मिरर पे चिपका देंगे। ये मेरा मिरर जो है ये दो पीसेस में था, ये एक टूट गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से अच्छा सा बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाया जाए, इसलिए मैंने इसे पीछे से मैंने थोड़ा पेंट कर दिया है उसको। और अब मैं इसे इसमें तो चिपका दूँगी सारे फ्लावर्स, क्योंकि पुराना हो गया था मेरा मिरर, इसलिए मैंने उसको पीछे से ब्लू कलर से पेंट कर दिया है, इसके कारण से वो अभी ठीक लग रहा है। आप न्यू मिरर भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आपको डेकोरेट करना है तो कोई भी मिरर लीजिएगा और अच्छे से इसे चिपका दीजिएगा। और हाँ, आप इसे ग्लू गन की मदद से भी चिपका सकते हैं। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, इसे सूखने के लिए रखना पड़ेगा कम से कम एक दिन। अगले दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो एयर ड्राई क्ले से जब हम कुछ बनाते हैं तो वो अच्छे से पूरी तरह से सेट होने में एक दिन लग जाता है, और ये फेविक्विक वगैरह जो है ये तो सूख जाएगा 5 मिनट में, लेकिन जो फ्लावर्स के शेप है वो प्रॉपर रहे इसके लिए उसको बार बार हाथ नहीं लगाना है। एक बार जब आपका सेट हो जाए तो अगले दिन तक रख दीजिएगा, फिर वो सूख जाएगा। और हाँ, अगर आप फेविक्विक यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे से बोतल को यूज़ करने के बाद क्लोज कर दीजिएगा और फिर इसे कहीं दूर रख दीजिएगा जहाँ पे बच्चों का हाथ ना पहुँच पाए। यस, और इसके बाद अगर कुछ ड्रॉप्स वगैरह गिरे हैं तो साफ़ कर लीजिएगा, हाथ साफ़ कर लीजिएगा। और ये हो गया है रेडी। आप इसे किसी को भी प्रेजेंट भी कर सकते हो गिफ्ट के तौर पर, या आप अपनी पर्स में भी रख सकते हो, क्यूट सा मिरर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। Bye guys.